कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मेन आरोपी प्रज्वल रवन्ना को 31 मई को गिरफ्तार कर लिया गया और ये गिरफ्तारी भी बड़ी अजीब थी। दरअसल इंटरपोल से खबर मिली थी एसआईटी को कि प्रज्वल रवन्ना जर्मनी से हिंदुस्तान के लिए रवाना हो रहे। 30 मई को ये खबर निकली। उसके बाद एसआईटी अपना पूरा जाल बुनती है और जैसे ही कैपेगौड़ा एयरपोर्ट पर प्रज्वल रवन्ना उतरते हैं वहीं से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार करने के बाद ये कहा गया कि इनके साथ क्या होगा, क्योंकि लोगों के मन में सवाल था कि अब आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है तो आखिर सजा क्या मिलेगी। तो इसके बारे में जो अभी तक खबर निकल के सामने आई हुई महज इतनी सी है कि प्रज्वल रवन्ना को लेके जो एसआईटी थी पहले तो सीआईडी हेडक्वार्टर गई, वहाँ पे उनसे पूछताछ होगी और पूछताछ होने के बाद 24 घंटे के अंदर यानी कल तक उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। वहाँ पे जो एसआईटी है या फिर जिसे आप पुलिस कह सकते हैं वो कुछ दिन की रिमांड मांग सकती है, हो सकता है 14 दिन की मांगे या फिर ज़्यादा मांगे। और इस रिमांड के दौरान जो एसआईटी होगी, जो पुलिस होगी, जो भी जाँच पड़ताल करेगी, वो सबसे पहले तो प्रज्वल रवन्ना का डीएनए सैंपल लेगी, क्योंकि डीएनए सैंपल के बिना तो प्रूफ किया ही नहीं जा सकता कि उन महिलाओं के साथ रेप करने वाला यही था या फिर कोई और था। तो पहला काम डीएनए लिया जाएगा और दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो किया जाएगा वो यही होगा कि प्रज्वल रवन्ना का जो वॉइस सैंपल है वो कलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि जो वीडियोज वायरल हुए हैं जिसमें ये कहा गया है कि इस वीडियो में दिखने वाला शख्स प्रज्वल रवन्ना है, उसे प्रूफ करने के लिए ऑडियो सैंपल का मैच होना जरूरी है। तो यही ठोस आधार बनाया जाएगा और ये दोनों चीज़ें अगर मैच हो जाती हैं तो मैच होने के बाद तब ये मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में अगर ये प्रूफ होता है कि ये आरोपी जिसके ऊपर तथाकथित रूप से ये चार्ज लगाया गया है कि प्रज्वल रवन्ना ने ही इन तमाम सैकड़ों महिलाओं के साथ रेप किया, उनका उत्पीड़न किया, अगर ये प्रूफ होता है तो फिर प्रज्वल रवन्ना को कम से कम उम्र कैद या फिर 20 साल या 10 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। हालांकि ये जो गिरफ्तारी हुई उसके लोके भी कई लोगों ने तरह तरह की बातें कही, क्योंकि 30 तारीख को ही जो प्रज्वल रवन्ना के दादाजी हैं जो इस देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके एचडी देवगौड़ा, उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि मेरी सीधी सीधे प्रज्वल रवन्ना को चेतावनी है कि एक दिन या फिर दो दिन के अंदर जहां भी हैं वो आए और यहां पे जो भी कानूनी कार्रवाई हो रही है उसका सामना करें, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें मेरा और मेरे परिवार के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। अब 30 तारीख को उन्होंने ऐसा कहा, 31 तारीख को प्रज्वल रवन्ना गिरफ्तार हो जाते हैं और उसी के बाद एक पोस्ट प्रज्वल रवन्ना का सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिस पर वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है और मैं तो पहले से ही प्लान करके गया था, 26 तारीख को मेरा चुनाव खत्म होना था, 27 तारीख को मेरा जाना फिक्स था, लिहाजा मैं जर्मनी गया और 35-36 दिन का मेरा ट्रिप था, वो तो सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से मुझे जब एसआईटी ने नोटिस भेजा तब मैंने कहा था कि ठीक है मैं आऊँगा और अपनी गिरफ्तारी करवा दूँगा। हालांकि इस मामले पर आपकी क्या राय है, क्या प्रज्वल रवन्ना की गलती है या नहीं, ये बात आप कमेंट करके बताइएगा और ऐसी अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा।